अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों ये आप देखें, कल की मेरी शॉट ली गई थी यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और अभी इसकी एक और शॉट तैयार हो रही है। ऑलमोस्ट ये मैंने ट्रेंडिंग लाइंस बनाई हैं, ये आप देखिएगा। ग्राफ का जो अगर आपको नहीं पता, तो ये इस पॉइंट से अगर ये नीचे को तोड़ता है, तोड़ के अगर यहाँ तक भी आता है, तो ये डेफिनेटली बूम बूम करके नीचे आएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं, देखते हैं, इंशाल्लाह ये नीचे आएगा, फिर हम इसकी शॉट निकालेंगे। ये देखिए मैंने ट्रेड यहाँ पे हॉट में कितनी ट्रेड्स ली हुई हैं, ये सारी यहाँ पे सेल शॉट, और पीछे जाएं ये देखें, सारी ट्रेड्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं। तो मैं आपको वीडियोस में दिखाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि कहाँ से शॉट बनती है, कहाँ से नहीं बनती। ये देखें, यहाँ से ऊपर गया है। अब आप देखें, ये ऊपर से बिल्कुल ऐसे नीचे आया है, नीचे आके ऊपर गया है, ऊपर जाके ये चार्ट बन रहा है जो जाते जाते क्लोज होता जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, इसने ये वाला अपना हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ये हाई, इसकी जो हाई प्राइस थी इस पॉइंट की 001855, ठीक है, और इसकी थी 58, यहाँ पे ये तोड़ गया था हाई, लेकिन इस टाइम ये अपना लास्ट हाई ब्रेक नहीं कर रहा। हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। ये अभी यहाँ से नीचे आएगा, अगर तो ये नीचे वाला लो ब्रेक करता है, ये वाला, ये अपना ये लो ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये वाला लो ब्रेक नहीं किया इसने, इसका मतलब ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पे इसने हाई ब्रेक नहीं किया, और अगर ये नीचे वाला लो ब्रेक करता है, यहाँ से हम इसके लो के बाद ही इस पॉइंट से प्राइस बनती है 1840 पे शॉर्ट की एंट्री लेंगे, और हमारा यहाँ तक होगा, क्या टेक प्रॉफिट हमारा होगा यहाँ से 189। इस लो से पहले पहले हमारा यहाँ तक टेक प्रॉफिट होगा हमारा। ठीक है जी। तो दोस्तों देखें आप, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, यहाँ से ये अपना ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जैसे ही इस वहाँ से नीचे आएगा, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसने पिछले लो को ब्रेक किया, और मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली है, इस कैंडल पे शॉर्ट के लिए, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होके ये देखें हमारा टेक प्रॉफिट हुआ है इस पॉइंट पे। मैंने आपको बोला था 1824 पे मैंने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ था, 1824 पे टेक प्रॉफिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये शॉर्ट की ट्रेड बन रही है, और 100% शॉर्ट की ट्रेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बहुत सी ट्रेड्स, और इवन कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रेंडिंग लाइंस कैसे खींची जाती हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। और ये जो हाई गया है यहाँ से, इस पॉइंट से जब मैंने लिया है ऊपर गया है, ये बिटकॉइन की वजह से गया है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ की जितनी भी जो अल्टरनेटिव कॉइन्स होती हैं, उनकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है बिटकॉइन की प्राइस के हिसाब से। इस प्राइस पर जब मैंने परचेज़ सेल की शॉर्ट लगाई है, एंट्री ली है यहाँ पर, तो BTC ऊपर जा रहा था, BTC की तीन बड़ी रेजिस्टेंस थी ऊपर, दो छोटी रेजिस्टेंस तोड़ गया था, लेकिन एक रह गई थी, तो वहाँ तक नहीं पहुँचा, वहाँ से नीचे आया जैसे बिटकॉइन। तो उसके साथ साथ हमारा ये कॉइन डेफिनेटली इसकी शॉर्ट बन रही थी, तो ये उसके साथ ही नीचे आया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले कल देखेंगे, कल कौन से कॉइन में ट्रेड बन रही है, लॉन्ग की बन रही है या शॉर्ट की बन रही है। मैं मोस्टली शॉर्ट ट्रेड्स लेता हूँ, और इसमें मेरे लिए ईजी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ट्रेंडिंग लाइंस कैसे खींचनी है, और ट्रेंडिंग लाइंस के साथ साथ दूसरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्ज़िट करना है। मेरी जितनी भी ट्रेड्स होंगी, चाहे वो लॉस पे हों चाहे प्रॉफिट पे हों, मैं आपको लाइव दिखाया करूँगा, बिल्कुल इसी तरह वीडियोज़ बना के जैसे मैंने ये बनाई है। और बाकी जो है, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, मैं तो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बिगिनर हूँ, तो अपने प्रॉफिट शो करवाते हैं, बताते हैं, लेकिन लॉस कोई नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्सेज सेल करने होते हैं, जिसकी वजह से उनके कोर्स कौन ख़रीदेगा। मुझे ये नहीं समझ आती, जो इतना प्रॉफिट बनाते हैं ट्रेडिंग में, तो वो कोर्सेज क्यों सेल करते हैं। डेफिनेटली वो कोई प्रॉफिट नहीं बनाते, जो भी आपको वीडियोज़ दिखाते हैं वो आई थिंक डेमो पे बनाते हैं या दूसरे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।